नमस्कार लौटते थे पल पल। रतिया रोड पर अतिरिक्त अनाज मंडी में धान की खरीद न होने के कारण परेशान किसानों ने जाम लगाया। किसानों ने सरकार के खिलाफ व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पल पल रतिया से सुशील श्रृंगला की खास रिपोर्ट। धान की खरीद न होने के कारण परेशान किसानों ने टोहाना फतेहाबाद रोड पर जाम लगा करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा सरकार के खिलाफ और विरोध में नारेबाजी भी की। किसानों के जाम के चलते वाहनों की कतारें लंबी लग गई, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जाम की सूचना पाकर के शहर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कंबोज मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन किसानों का जाम ऐसे ही जारी रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वे काफ़ी परेशान हो चुके हैं। किसानों ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने समस्याओं का हल करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि DAP खाद के लिए भी सुबह से लाइन लगा करके रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पाती, जिसके बाद खाद को ब्लैक में लेना पड़ता है। सरकार को किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। हर बार बिना किसी परेशानी के धान खरीद के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी एजेंसी पूर्ण रूप से धान की खरीद नहीं करती। हैवर्ड एजेंसी द्वारा खरीद की जानी थी, लेकिन अभी कोई भी खरीद नहीं हो पाई। आप देखें पल पल की खास रिपोर्ट। क्या मामला सारा ये मामला जी बोली के लिए है। जमींदार एक हफ्ते से अंदर अनाज मंडी में बैठा है। पहले दिवाली की 4-5 छुट्टियां कर दी, चलो चल गया। आज कह रहे कि आज हम बोली नहीं करेंगे, कहे परसों करेंगे। फिर कहते हैं हम डेरी देख के करेंगे, वो डेरी भी नहीं देखते। जो माल मंडी में पड़ा उसके लिए नहीं आते बोली के लिए। फोन करते हैं, फोन नहीं उठाता। बोलो जमींदार और मुनीम भाई, हरिजन भाई, जो पल्लेदार भाई बैठे हैं सारे ठाली उड़े, क्या करेंगे। तो प्रशासन से बात किया आपने? प्रशासन से बात किया, प्रशासन सब चुप है, कोई जवाब नहीं देता। तो क्या मांगे आपकी? और मांगे कि हमारी बोली शुरू कराई, हमारा माल खरीदे और तुलवाए। तो जाम कब तक रहेगा आपका फिर? जब तक कोई प्रशासन का अधिकारी आ गया हमें हमारा काम शुरू नहीं करवाता। क्या नाम है जी आपका? सत्यवान। लाइन में लगा, कोई पक्षद आवे और फरमाइश लगावे, खाद ले जावे जी। तो कितने दिन से दिक्कत आ रही है खाद की? खाद की तो जी आ रही है, सीजन के शुरू से ही दिक्कत आ रही है। 10 तारीख को जल की समस्या आ रही है, और कोई कुछ समस्या हल नहीं होती जमींदार की। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? फिर कोई सुनवाई नहीं है किसी की, जमींदार की। 5 दिन से बैठा है, अगर बिजाई भी करनी है, अगर बिस्वाल ना है, पशु बीमार हो जाता है, कब तक बैठेगा? समस्या पर ध्यान देना चाहिए और मौके पर निवारण करना चाहिए। जमींदार माल लिया उसका, अगर देखा सूखा है, मापदंड पूरे करता है, उसकी तुलाई कर दो। बिठाने से क्या लाभ मिलता उसको, जमींदार को परेशान करने से? तो कितने दिन से दिक्कत आ रही है? ये 5 दिन से चल रही है लगभग। कोई अधिकारी नहीं आ रहा? फिर सुनवाई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा जी। अब आप क्या मांग करते हैं भाई? ग्रेड माल देखो और तुलाओ, जब ग्रेप गेट पास कट चुका है, देरी देखो तुलाओ इसको, बोली करवाया कर अपना। हम निफराम हो, अपने घर चले जाएंगे, मजदूरों को भी काम मिलेगा, हड़ती भी निफराम हो गए। सारी किसानों को खाद की तो है, DAP की बड़ी किल्लत है, लोग नहीं कहाँ कहाँ भागे जाते हैं, वहाँ मिलेगा वहाँ जाते हैं, साधन लेकर वहाँ नहीं मिल रहा है। ब्लैक मेल तो है, कई बार आदमी 200-400 ब्लैक मेल भी सहन कर सकता, मिलता ही नहीं। कहीं मुड़क मिलेगा, मुड़क जाएगा, कोई कहते जाखा मिलेगा, कभी कहते हैं बरवाड़ा मिलेगा, है सारा दिन डीजल फूकते हैं, मारे मारे फिरते हैं हम।